चलिए दोस्तों, तो इस बार हम लोग हाजिर हैं लेकर क्लास 9th का थ्योरम, जो कि सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल से रिलेटेड है, ये एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 1 है और आरएसएल में थ्योरम नंबर 2 है। तो ध्यान से देखिए, ये बहुत इजी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी हो जाने वाला थ्योरम है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन के अनुसार फिगर बना दिया। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो थ्योरम है वो कॉन्ग्रेंसी से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। तो कॉन्ग्रेंसी का जो क्राइटेरिया है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कॉन्ग्रेंसी का 4 क्राइटेरिया मैं आपको बेसिकली बताना दूंगा। साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड 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 और RHS, राइट हाइपोटेनस साइड, जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हद तक इसमें इस्तेमाल होने वाला कॉन्ग्रेंसी। चलिए तो मैं आपको अब क्वेश्चन समझाता हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के दो कॉर्ड्स आप देख सकते हैं, ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स है क्योंकि दो पॉइंट को ये ज्वाइन कर रहा है, वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल हो रहा है कि एंगल, तो इसी को हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हर थ्योरम को प्रूव करने में रीति रिवाज होता है, गिवेन और टू प्रूफ लिखने का, हम लोगों ने लिख लिया है। क्या लिखा है गिवेन में? अ सर्कल सेंटर विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी, बस इतना ही लिखना था, हम लोगों ने लिख दिया। टू प्रूफ क्या करना था? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हमने वो भी लिख दिया। अब प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में हम लोग को ये इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करके दिखाना है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, हम लोग को क्या क्या मिल रहा है इसमें? ये और ये रेडियस है, देख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस है हमारा। फिर उसी तरह इधर इस साइड आइए तो ओ बी और ओ डी, वो भी रेडियस है, यानी ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। और हम लोगों को गिवन दिया हुआ है कि ए बी और सी डी जो है वो गिवन है, हम लोग का इक्वल है, गिवन दिया हुआ है, मतलब कि हमारा ये साइड 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 से कॉन्ग्रेंट हो गया। चलिए दोस्तों, हम लोग को जो जो पता था इन दोनों ट्राइंगल के बारे में वो हम लोग ने लिख लिया। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी था आर के बराबर, हमने वो लिख लिया। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी था आर के बराबर, वो भी हम लोगों ने लिख लिया। और ए बी सी डी बराबर था, वो गिवन में हमारा दिया हुआ था, वो भी हम लोगों ने लिख लिया। इसलिए बाई साइड 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 से हमारा ये ट्राइंगल जो साइड 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 क्राइटेरिया से हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, इसलिए बाई सी पी सी टी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेस ट्राइंगल से हमारा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी प्रूव हो गया। हम लोग जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो उसका सारा पार्ट इक्वल होगा, इसलिए ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया। तो बहुत जल्दी हम लोगों ने इसे कर लिया और आई होप आपको 100% आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए हो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।